पुलिस का एंटी माफिया अभियान की हकीकत। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की एक और मुहिम। बदमाशों हिस्ट्री सीटर से कहा कि अपराध नहीं छोड़े तो घर दुकान पर चलेगा बुलडोजर। वहीं सभी बदमाशों के नए सिरे से फोटोग्राफ्स फिंगरप्रिंट लिए गए। शुक्रवार को जिले भर के स्थानों में पंजीकृत 286 से ज्यादा आरोपियों को तलब किया गया। वहीं SP राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि बुलडोजर अभियान के तहत अपराधियों की जानकारी जिला कलेक्टर को भेज दी गई है। नहीं, प्रशासन ने ये सूची राजेश को भेज दी। अब चिन्हित अपराधियों की कुंडली तैयार करने को कहा गया है। वो क्या काम करते हैं, उनकी संपत्ति क्या है, उनके परिवार की भी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस एंटी माफिया अभियान की पोल थानों में ही खुल गई थी, जब निगरानी सुधा हिस्ट्रीशीटर बदमाश को बुलाया गया, जिसमें बाप बदमाश तो आ गए लेकिन उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं था। लेकिन वो बदमाश नहीं है जिनके ऊपर किसी का हाथ है, और वहां हाथ इतना पावरफुल है कि पुलिस चाहकर भी उन बदमाशों को थाने में नहीं लेकर आ पाई। सूत्रों का कहना है कि बदमाश इतने भी दबंग होते हैं कि पुलिस उनके आगे बौनी साबित हो जाती है। अब इन बदमाशों के ऊपर किसका हाथ है, ये पुलिस ही बता सकती है कि किस कारण वो इन बदमाशों पर हाथ नहीं डालती। सूत्र कहा तक कहना है कि मुस्लिम समाज के अध्यक्ष काले खां की हत्या में शामिल आरोपियों के घर जब पुलिस और प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर पहुंचा, तो पुलिस का बुलडोजर उक्त आरोपियों के घर के बाहर सलामी देकर ही आ गया, क्योंकि उक्त आरोपी इतने दबंग है कि पुलिस वहां से चुपचाप एक घर की ईंट लाए लौट गई। और पुलिस कैसे लौटी ये सभी को पता है। ये एक ही मामला नहीं है, रुठियाई वाले केस में भी ऐसा ही हुआ था। जब मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो आरोपी को फरार बताकर पकड़ना बताया, लेकिन हकीकत ये थी कि आरोपी वहीं घूम रहा था। सूत्रों का कहना है कि अगर पुलिस वाकई में एंटी माफिया अभियान चलाना चाहती है तो पुलिस को सबसे पहले उन अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनके ऊपर पावरफुल लोगों के हाथ हैं। गुना जिले में गुंडे बदमाश माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी शासन के निर्देश पर, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और अधिक सघनता के साथ इस अभियान को चलाया जाएगा। इसी अभियान के तहत आज 1 अप्रैल को संपूर्ण गुना जिले के प्रत्येक थाने में, हमारे पूरे 18 थानाओं में जितने भी गुंडे बदमाश हिस्ट्री शीटर आदतन अपराधी माफिया NDPS वाले माफिया नशे वाले माफिया इन सबको इनके सब की धरपकड़ की गई। रात से ही धरपकड़ चल रही थी। इन सबको घेर घार के थाने लाया गया। इनमें जो रिकॉर्ड योग्य हैं उनको रिकॉर्ड छाट कर जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। बाकी के संबंध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, बाउंड ओवर उनको करवाया जा रहा है और डोजियर फॉर्म भरा कर संपूर्ण उनकी जानकारी रखी जा रही है और वो शपथ ले रहे हैं कि हम किसी प्रकार से गुना में अपराध नहीं करेंगे। ये एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में आज 286 बदमाशों, कुल मिला के पूरे गुना जिले के थानों में 286 बदमाशों को घेरा गया, लाया गया, कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 179 जो हैं वो पंजीकृत गुंडे हैं, 93 निगरानी बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, 10 आदतन अपराधी हैं। इस प्रकार से विभिन्न संख्या है और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी इनकी जो भी प्रॉपर्टी इत्यादि है उसका भी दिखवाया जा रहा है, उसको राजस्व विभाग को सौंपकर उनके दस्तावेजों का परीक्षण कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार की ऐसी अवांछनीय प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसको भी नेस्तनाबूद किया जाएगा, उनको भी समाप्त किया जाएगा। इस तरह से अपराधियों में एक बड़ा अभियान अपराधियों के बीच में चलाया गया है। किसी भी तरह के गुंडे को, माफिया को गुना जिले में पनपने नहीं दिया जाएगा।